सहनो भुनाक्तो सहविर्यं करवावहि तेजस्विना वधितमस्तु माविद्विशावहि ओम शांति ही शांति शांति वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है वेदो अखिलो धर्म मूलम वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है जीवन और जगत की प्रगति के लिए उन्नति के लिए हर प्रकार से इसका कल्याण हो इसके कल्याण में ही हम सबका कल्याण है हम सब के कल्याण में ही इन सबका कल्याण है तो ऐसी जो हमारी मनोभावना है जो मनोवृत्ति है इस मनोवृत्ति को हम सदा सर्वदा अपने मन मस्तिष्क में रख करके के देवत्व के आधार से युक्त होकर के दिव्य जीवन जीने का प्रयास करें यज्ञमय जीवन जीने का प्रयास करें हर प्रकार से अपनी उन्नति में ही संतुष्ट न रह करके सबसे पहले हम शरीर की उन्नति आत्मोन्नति समाज की उन्नति राष्ट्र उन्नति के इस महान यज्ञ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं यही सच्ची मानवता है और यश कीर्ति के साथ धैर्य के साथ और उत्तम जीवन जीने का उत्तम जीवन बनाने का जो प्रयास है वो सार्थक प्रयास सदा हम करते रहें तो ऐसी दिव्य भावना के साथ जो मुख्य हमारे स्वधर्म है स्वकर्म है उनको कभी नहीं भूलें तो इसी स्वधर्म का स्वकर्म का दिग्दर्शन कराता हुआ सच्चा उपदेश देता हुआ एक सौ सूक्त के 50वें मंत्र का आज हम स्वाध्याय करेंगे ऋग्वेद के प्रथम मंडल के एक सूक्त के 50वें मंत्र का स्वाध्याय करते हैं आए पहले इस मंत्र को लिखते हैं फिर चर्चा करेंगे ओम यज्ञन यज्ञम अजयंता ಯಜನ ಯಜ್ಞಮಜಯಂತ देवास्तानी, धर्माणी देवास्तानी धर्माणी प्रथमान्यासन देहना का महिमान देहनाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्यः यात्रा पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः ओम यज्ञ यजमयजंता देवास्तानी धर्मानी प्रथमान्यासन तेहना कम महीमाना सचन्ता यत्र पूर्वे साध्याहा सन्ति देवाहा ओम यज्ञ न यज्ञमयजन्ता देवास्तानी धर्मानी प्रथमान्यासन तेहना कम महीमाना सचन्ता यत्र पूर्वे संति पूर्वेशाध्यावा बहुत सुंदर वेद मंत्र है बहुत प्रसिद्ध भी है हम प्रायः इस मंत्र को विद्वानों के मुखार बिंदु से सुनते हैं कहा है कि देवा देव यज्ञ यज्ञ के द्वारा यज्ञ से यज्ञ अयजंता। यज्ञ का यजन अर्थात पूजन करते हैं यज्ञ से विष्णु की पूजा करते हैं परमात्मा सर्वव्यापक है और सबका हित करते हैं इसी प्रकार से मनोवृत्ति को व्यापक बना करके हम भी सर्वव्यापक के उपासक बन पाते हैं व्याप्त वो सब जगह सब काल में हर हाल में विद्यमान रहता है कोई भी स्थान उस भगवान से रिक्त नहीं है चारों ओर दसों दिशाओं में उस परमात्मा की महिमा प्रदर्शित हो रही है दिखाई पड़ रही है और ये भी सूर्य चंद्र, नदी पर्वत झरने वनस्पतियाँ फल फूल हमारे सभी आसपास के जो रहने वाले पशु पक्षी हैं वो उस सब उसी की ही महिमा गाते हैं उसी का ही गुणगान करते हैं जप रहे तेरा नाम पंछी गीत गाती है पवन जप रहे तेरा नाम पंछी गीत गाती है पवन रंग रहे रंगों से जग को रंग रहे रंगों से जग को ऐसे रचनाकार हो तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो और प्राणाधार हो तो परमात्मा ये हर प्रकार से संसार की जो चित्रकारी है वो हमेशा करता रहता है कभी भी आप उसका यदि शक्तिमान रूप देखना चाहते हैं सर्वव्यापक रूप देखना चाहते हैं सर्वंतरयामी को जानना चाहते हैं समझना चाहते हैं तो इस संसार का जो दृश्य है वही पर्याप्त है क्योंकि बिना नियामक के नियम कोई चला नहीं सकता है बिना व्यवस्थापक के कोई व्यवस्था नहीं चला सकता है बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं है तो ये जो जगत कार्य रूप में हमको दिखाई पड़ रहा है बिना कारण के नहीं हो सकता है वह परम पिता परमेश्वर जो इसका कारण है प्रकृति जो इसका उपादान कारण है उसी से इसने सारा संसार रचा है और यज्ञमय बनाया है मनुष्य भी यजनशील बने यज्ञ की भावना है देव पूजा बड़ों का आदर करना करना, अपने बराबर वालों के साथ मिलकर के चलना दान अपने से छोटों को सदा देने का भाव रखना ये यही यज्ञ भावना है यज्ञ नज्ञम आयजंता यज्ञ नज्ञम आयजंता की जो बात है यही है देवो भूतवा यजे देवम देवताओं की पूजा देवता बन करके के करनी चाहिए हम अपने विचारों में अपने भावों में दिव्यता का आधान करते हुए समर्पण का भाव रखते हुए श्रद्धा का भाव रखते हुए जब जीवन को जीते हैं तो निसंदेह है, हमारा सब ओर से कल्याण होता है कोई भी हमारा अकल्याण नहीं कर सकता इस संसार में इस भावना को यह वेद मंत्र प्रदर्शित कर रहा है कि यजमय जीवन यदि हम जीते हैं तो उससे हमारा संपूर्ण अस्तित्व बहुत ही सुविकसित हो जाता है सुरभित सुगंधित हो जाता है हम सदा अपने से बड़ों का आदर करने वाले बने जब जब हम अपने से बड़ों का आदर नहीं करते हैं हमसे ज्ञान में जो बड़े हैं हमसे आयु में जो बड़े हैं हमसे जो अनुभवों में बड़े हैं उनका जब हम अनादर करते हैं उनका तिरस्कार करते हैं माता पिता भाई बंधु दादा दादी नाना नानी कितने संबंध हैं, संसार में होते हैं उन संबंधों में जो व्यक्ति आदर का भाव रखते हुए जीवन को व्यतीत करता है तो उसका जीवन यज्ञमय होता है उसका जीवन श्लाघनीय होता है उसका जीवन दूसरों के लिए एक उत्साह का एक आदर्श का जीवन होता है अतः हम कभी भी अपने से बड़ों का मन से वाणी से व्यवहार से अनादर न करें ऐसा यदि हम करते हैं तो सच्चे अर्थों में हम यज्ञमय जीवन जीने वाले होते हैं दूसरी बात क्या कही है करना, अपने से बराबर वालों के साथ मिलजुल करके चलना मिलजुल करके संगत बना करके रखना हाव भाव के साथ जीवन को जीना यह विडंबना है संसार की अपने से बराबर वालों का कभी भी जब हम भाव नहीं रखते हैं एक दूसरे के प्रति ईर्षा द्वेष का भाव रखते हैं तो समाज परिवार और संसार को यह तोड़ने का काम है इसलिए यदि हम जोड़ने का काम करना चाहते हैं तो निसंदेह हमको अपने इस संगतिकरण के भाव को कभी नहीं छोड़ना चाहिए हम यदि माता पिता गुरु आचार्य पति पत्नी भाई भाई बहन बहन मित्र मित्र के भाव में भी रहते हैं तो भी हमको एक दूसरे का आदर करना परम आवश्यक है यदि पति पत्नी दो हैं, एक जो गृहस्थ रूपी जो गाड़ी है इसके दो पहिए हैं, यदि दोनों पहियों में थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होता है असंतुलन होता है तो परिवार रूपी ये दाम्पत्य रूपी यह जो जीवन है ये जो गाड़ी है यह जीवन यात्रा हमारी कभी भी ठीक ठीक पूरी नहीं हो सकती इस यात्रा में हम कहीं ना कहीं धोखा जरूर खा जाते हैं इसलिए संगतीकरण एक दूसरे का आदर करना एक दूसरे का सम्मान करना और मिलजुल करके व्यवहार करना तब हम जाकर के जीवन में उन्नति करते हैं और ये कहा कि अपने से छोटों का सदा मान रखते हुए उनको दान देना जो भी परमात्मा के द्वारा हमको सामर्थ्य मिला है बुद्धि का बल का धन का जान का जो भी सामर्थ्य मिला है उस जान का उस धन का उस सामर्थ्य का अपने से जो छोटे हैं उनको सहज सरलता से उनको दान देना उनके जीवन में उत्साह का संवर्धन करना उनके प्रति करुणा का भाव रखना उनको किसी अभाव में न रखना ये दान देने की प्रवृत्ति है और दान देने वाला व्यक्ति कभी भी कंगाल नहीं होता है भौतिक स्तर से यदि कोई आकलन करे तो हो सकता है कोई कह दे कि कंगाल हो गए लेकिन उसका हृदय सदा माला माल रहता है वो सदा उस ईश्वर की प्रेरणा से तो रहता है। तो ऐसा यह, यहां पर उपदेश किया है और कहा देवों के कर्म उन्हीं जो है इन्हीं भावनाओं से उत्प्रोत होते हैं जो देवत्व के गुण वाले व्यक्ति होते हैं देने की प्रवृत्ति वाले जो होते हैं वे सदा अपने से छोटों को स्नेह पूर्वक जो भी उनका सामर्थ्य वो दान देते पूते धर्माणी ये तीन ही धर्म प्रथमानी आसन मुख्य एवं व्यापक धर्म थे ये तीन धर्मों का पालन करने वाले वे देव महिमा नहा महिमा वाले होते हुए अर्थात यश उत्तम यश को प्राप्त करते हुए हर निश्चय से नाकम सचनता स्वर्ग का सेवन करते हैं अर्थात सुखमय स्थिति में विराजते हैं उनका यह जीवन यशस्वी व सुखी होता है इस जीवन की समाप्ति पर वे उन लोगों को प्राप्त होते हैं यत्र जहाँ की पूर्व अपने अंदर यज्ञ की जो भावना का पूर्ण करने वाले साध्या में जीवन जीने वाले लोग जानी लोग संति होते हैं अर्थात इन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है यज्ञ की भावना पूर्ण होने पर तो मोक्ष मिलता ही मिलता है अर्थात व्यक्ति जब यजी भावना से होता है तो कभी भी उसका रास नहीं होता है कभी वो उदास नहीं होता है कभी हताश निराश नहीं होता है ऐसा जीवन जीने का हम सब का संकल्प होना चाहिए तो यज्ञ में जीवन जीने के तीन लाभ विशेष इस मंत्र में बताए हैं कि यज्ञ यजम अयजनता देवास्ता धर्मा प्रथम आसन यत्र महिमा साध्याह यू साध्या देवा ये तीन कर्म ही ऐसे पूर्व काल से ही प्राचीन काल से ही ऋषिकाल से ही चले आ रहे हैं कि तीन कर्मों को यदि हमने साध लिया तीन कर्मों का अनुष्ठान पवित्रता पूर्वक हमने जी लिया उसका अनुष्ठान पूरा कर लिया तो उस अनुष्ठान से व्यक्ति का सदा उत्थान होता है कभी भी पतन नहीं होता है पहला कि यश प्राप्ति यश प्राप्ति कैसे होगी तो अपने से बड़ों का सम्मान करने से अपने से बड़ों की जो आज्ञा उसका पालन करने से बचपन से ही एक श्लोक हम प्रायः सुनते हैं और समझने का भी प्रयास करते हैं अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोप चत्वारी विना चित वर्धनते बलम जो अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं उनकी सेवा करते हैं उनकी आज्ञा का पालन करते हैं उनकी चार चीजें अपने आप बढ़ जाती हैं उनकी आयु विद्या यश और बल तो यश बल कीर्ति के लिए अपनी प्रसिद्धि के लिए क्योंकि कीर्ति यश सजीवती जिसकी कीर्ति होती वास्तव में उसी का जीना जीना है नहीं तो जीने के लिए तो कीड़े मकोड़े भी जीते हैं जीना उसी का जाना है संसार ने जो दूसरों के लिए जीता है जीना उसी का सफल हुआ है जो दूसरों के सहयोग में दूसरों की उन्नति में दूसरों के उत्थान में अपने आप को लगाता है तो यह यश प्राप्ति का बड़ा साधन है कि अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं तो नि संदेह उनका अनुभव हमारे जीवन में काम आता है हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संदर्भों में उनके द्वारा प्राप्त किए ज्ञान से हम ओतप्रोत हो जाते हैं तो भूलते नहीं भटकते नहीं विषयों में अटकते नहीं और दूसरी बात क्या है सुखमय स्थिति की प्राप्ति सुखमय सुख तो सब चाहते हैं कीड़ी कुंजर से लेकर के हाथी घोड़ा कीड़ा मकोड़ा जो भी है वो वह भी चाहते हैं कि उनको दुख ना मिले सब सुख की कामना करते हैं सुख 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 कोई भी लेश मात्र दुख की कामना नहीं करता है परंतु दुख तो आ ही जाते हैं दुख तो आ ही जाते हैं तो दुख नाए इसके लिए क्या करना इसके लिए ये करना कि पहले से ही हम तैयार रहें। दुखम अनागतम। जो दुख हमने पहले उठा हैं उनका संस्कार जा नहीं सकता जो घटनाएं पहले घटी हमारे साथ उनको हम भूल नहीं सकते तो वो भी हटाने के योग्य नहीं है क्योंकि वो बार बार जब जब याद आएंगी तब तक हम दुखी होते हैं। ये घटना मेरे साथ हुई थी अमुक व्यक्ति ने मेरा अपमान कर दिया था मेरा एक्सीडेंट वहां हो गया था मेरे साथ ऐसी दुर्घटना घटी उसको स्मरण करके व्यक्ति दुखी होता रहता है तो उसको तो भुलाते नहीं जल्दी से भुलाया नहीं भी जा सकता है भूलने वाले भूल भी जाते हैं भुलाना भी उचित है जो वर्तमान में अभी घटित तो हो गया है अभी इतना विकट संकट पूरे संसार में छाया कोरोना 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 है और कितने जो मनुष्य इस संसार में कितने लोगों का अकाल यहाँ से जाना हुआ किसी के घर में इतनी तबाही मच गई कि घर में कोई भी नहीं एक सदस्य था कमाने वाला खिलाने वाला वो भी इस काल के गाल में समा गया तो बहुत विकट संकट है इन विकट संकटों में भी जो उत्तम मार्ग का अवलंबन करते हैं जो धर्म का अवलंबन करते हैं जो इस सुपथ का अवलंबन करते हैं वो कभी भी हताश नहीं होते कभी निराश नहीं होते कभी उदास नहीं होते और उसी की सारी व्यवस्था को स्वीकार करते हुए जीवन को जीते हैं सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है और रो कर, कट या कर कटती है जिंदगानी तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है हम क्या बताएं तुझको सब कुछ तुझे खबर है हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है दुनिया में हमको भेजा जो तेरा शुक्रिया है राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है जिसमें तेरी रजा है तो उस परमात्मा की रजा में हम रजामंद हैं ऐसा हम सबका सामर्थ्य हो और तीसरी बात हम उत्तम लोकों की प्राप्ति करते हैं इन लाभों की प्राप्ति के लिए हमें अपना जीवन उत्तम बनाना ही चाहिए ऐसी हमारी सद्भावना और मनोकामना होनी चाहिए तो इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को पर विराम देते हैं ओ शान्तिः शान्तिः शान्तिः